नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लॉकडाउन में भी जिस तरीके से अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, खासकर जो बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और प्रशासन जो है वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसी ही कुछ खबरें मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से पूरे भारत में अलग अलग जगह पर बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक ही बहुजन परिवार में एक बच्चे समेत तीन लोगों की हत्या, तीन लोगों की हालत गंभीर। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बहुजन परिवार पर हमला हुआ। छत्तीसगढ़ में एक ही बहुजन परिवार के तीन लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला महासमुंद जिले के जोबा गांव में जमीन विवाद में बहुजन परिवार में छः लोगों के मारपीट की गई है, जिसमें तीन की मृत्यु हो गई, तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। दलितों पर पिछले 10 सालों में 20% से ज़्यादा बड़ा अत्याचार कोरोना संकट में भी नहीं थमा। ये सबरंग इंडिया की रिपोर्ट है, आप इसको ज़रूर पढ़ें कि किस तरीके से कोरोना काल में भी दलितों पर अत्याचार नहीं रुका है और लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में बहुजन व्यक्ति का उत्पीड़न करने के मामले में 5 महीने से फरार व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। तो बिहार में अब जो बहुजन व्यक्ति का उत्पीड़न करने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुजन महिला को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे गांव वालों को दबंगों ने रोका। घटना के विरोध में दलित नेता ने शमशान घाट पहुंचकर दिया धरना। तो जो जाति है वो मरने के बाद भी नहीं जाती, आप समझ सकते हैं। नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस ने प्रेस रिलीज में लॉकडाउन के दौरान बहुजनों के खिलाफ हिंसा के लगभग 92 मामले आने की बात कही। मुख्य मीडिया इन खबरों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। तो समझ सकते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन में अत्याचार बढ़ता जा रहा, खासकर UP में और MP में, आप समझ सकते हैं कि 20% जो है मामले बढ़े हैं दलितों के खिलाफ। राजस्थान के एक गांव में बहुजन बस्ती में शराब के गोदाम में नियमों के विरुद्ध शराब की बिक्री पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गोदाम की जगह को निरस्त नहीं करने की सूरत में जन आंदोलन करने की दी चेतावनी। तो देख सकते हैं किस तरीके से अवैध शराब बेची जा रही है, वो भी बहुजन इलाकों में, ताकि बहुजन इलाकों में, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग पिएँ और सवाल ना कर सके, आप समझ सकते हैं। दो बहुजन कार्यकर्ताओं को बहुजनों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गैर सरकारी संगठन द्वारा सितंबर के अंत में पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तो अब बहुजनों के लिए अच्छी खबर भी है, दो बहुजन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें रघुवंशी और ऋतु नागवंशी हैं। राजरतन अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव शूद्र और देवेंद्र ब्राह्मण को क्षत्रिय कंगना की लड़ाई में वैश्य मीडिया द्वारा मदद करने को महाराष्ट्र में चतुर्वर्णीय का जीता जागता दृश्य बताया। राजस्थान में बहुजन संगठनों ने भील महिला के खिलाफ कथित रूप से अस्पताल द्वारा झूठे राजकार्य में बाधा डालने की शिकायत पर महिला का किया समर्थन। राजरतन अम्बेडकर ने कंगना रानौत, महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस के बीच हिंदू होने पर भी लड़ने पर बात कही। देवेंद्र कंगना को पता है कि वो हिंदू नहीं ब्राह्मण है और उद्धव जी हिंदू नहीं शूद्र है। तो ये है मामला है, क्यों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर इतनी गरज रही है योगी सरकार। आज करीब देश भर के युवाओं ने रात 9:09 के लिए दिया और टॉर्च जलाकर सरकार से रोजगार की करी मांग। PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। DMK धर्मुख प्रमुख AK स्टालिन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में SC और OBC छात्रों के अधिकार को छीनने के लगाए आरोप। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार सरकार जो है वो आरक्षण पर हल्ला बोल कर रही है, आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और मुस्लिमों को 2M दर्जे का नागरिक बना ही चुकी है, क्योंकि अब मुस्लिम के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुजनों की लगातार हत्याएं हो रही है। और ये सबरंग की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन में 20% जो है अत्याचार बढ़ा है दलितों पर। इसको भी आप ज़रूर पढ़ें और जो ऐसी तमाम खबरें हैं उनको देखने के लिए जुड़े रहिए नेशनल दस्तक के साथ। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।